श्री सरोजनाथ जी, आज के इस समारोह के सम्मानित मुख्य अतिथि आदरणीय चीफ एजुकेशन ऑफिसर किश्तवाड़ श्री सुदर्शन कुमार जी, चीफ एजुकेशन ऑफिसर किश्तवाड़ ऑफिस के गणमान्य स्टाफ सदस्य, प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल दक्षिण, जोनल एजुकेशन ऑफिसर मलवा, जोनल एजुकेशन ऑफिसर, जोनल एजुकेशन प्लानिंग ऑफिसर मलवा, चेयरमैन श्री हुमाता सिकंदिया यात्रा मैनेजिंग कमेटी, टीचर एसोसिएशन अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षक महासंघ यूनियन दक्षिण के प्रेसिडेंट, अन्य शिक्षकगण, हम पेशेवर साथियों, उज्ज्वल भविष्य के चमकते सितारे बच्चों, आप सबको नमस्कार आदाब। परम सम्मानित अतिथि, आपको दक्षिण की पावन भूमि पर हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रांगण से की आमीन घराइयों से अभिनंदन करता हूँ कि आपने अपने बिजी शेड्यूल से अपना कीमती वक्त निकाल कर सर्विसेज के आखिरी पड़ाव में दक्षिण का दौरा करने का फैसला लिया, जिसके लिए हम सब दिल की आमीन घराइयों से आपका शुक्रिया अदा करते हैं और खुशामदी करते हैं। बुझते हुए चिराग फिरोजा करेंगे हम, बुझते हुए चिराग फिरोजा करेंगे हम, तुम आए तो जिसने चिरागा करेंगे हम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप यहाँ आकर इस हाई सेकेंडरी स्कूल दक्षिण की रौनक बढ़ा दी, वर्ण ये महफिल हमारा जज्बात अधेरा ही रहता। आदरणीय आप प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पुंछ के मुकाम से पदोन्नति यानी प्रमोशन पाने के बाद आपने 8 मार्च 2022 को एजुकेशन ऑफिसर किश्तवाड़ राय की मुझे नफरी इस कार्यकाल की हम जितनी तारीफ करें तो लगे तो शुरू शुरू वो भाई मुझे कम है। बहुत अगर तारीफ के मोहताज नहीं होते कुछ लोग, तारीफ के मोहताज नहीं होते कुछ लोग, प्रॉब्लम तेरा खत्म हो तो क्योंकि को कभी हित लगाया नहीं जाता। क्योंकि एक कार्यकाल में दूसरा किधर है, तीसरा किधर है, जो शोक से जब तक वो ईमानदारी के साथ के आपने खिदमत को बखूबी अंजाम दिया है, लेकिन वो जबान छोड़ी पर जाती है। आपके इस कार्यकाल में डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से समय समय पर जो भी स्कीम, जो भी पॉलिसी हो, एकेडमिक कंसर्निंग हो, ऑनलाइन स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन की बात हो, ऑनलाइन प्रोग्राम रिगार्डिंग इनोवेशन ऑफ एजुकेशन की बात हो, नेशनल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर टीचर्स की बात हो, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन तो इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की बात हो, इंस्टॉलेशन ऑफ बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम की बात हो, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की बात हो, या फिर स्कूल मॉनिटरिंग की बात हो, इन सब प्रोग्राम को ग्राउंड लेवल पर
इम्प्लीमेंट करने में आप सक्षम और सफल रहे। इसके बाद अगर हम टीचर की परफॉर्मेंस की बात करें, शायद पहली बार सोन मड़वा को रिकमेंडेशन आपके माध्यम से मिली है, जिसकी बदौलत हमारे इलाके से चार ऑफिसर्स को रेंडरिंग बेस्ट सर्विस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन में अवार्ड मिला है, जिनमें हमारे माननीय प्रिंसिपल श्री मुल्कराम जी, हमारे सीनियर असिस्टेंट श्री ओम प्रकाश जी, हमारे टीचर श्री रुद्रेश कुमार जी और हमारे जो महान टीचर श्री रविंद्र कुमार जी, इन सबको रेंडरिंग ऑफ बेस्ट सर्विसेज इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन में सम्मानित किया गया। और सबसे बड़ी बात, इस पीरियड में एक बेहतरीन जो मिश्राम जी ने अभी कहा कि टीचर फ्रेंडली माहौल देखने को मिला, इस दौरान टीचर्स की किसी भी किस्म की प्रॉब्लम या किसी भी किस्म का मसला और कितना भी गंभीर क्यों न रहा हो, आपने अपने परिवार के सदस्य के हस्त से इस मसले को अपना परिवार का सदस्य समझकर अपने ही लेवल पर इसका समाधान निकाला, जो कि एक बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर की मिसाल पेश करता है। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के तो हजारों इंसान हैं। इसी के साथ खुशी भरे एहसास के इन शानदार पदों के बीच आज के स्वागत समारोह के साथ साथ सेवा निवृत्ति की भी हार्दिक शुभकामनाएं प्रदान करते हैं। आज का दिन खुशी और गम दोनों का एहसास दिलाता है, क्योंकि एक आप 37 साल के बाद अस्पतालों में अपनी तौबीर खिदमत और अहम पौधों पर अपना फराइज बखूबी अंजाम देने के बाद आप इस माह के आखिरी तारीख को यानी 31 मार्च को बतौर चीफ एजुकेशन ऑफिसर के पद से अपने सरकारी खिदमत के सफर को अलविदा कहने जा रहे हैं। लंबे अरसे तक सरकारी सेवा करने बाद अपने पैसे के साथ एक अनोखा संबंध बन जाता है, जिससे जुड़ा होना बहुत मुश्किल हो जाता है, जो कि एक अनोखी छाप और उम्र भर की यादगार बनकर रह जाता है। चंद लम्हों की रफाकत ही गनीमत है, चंद लम्हों की रफाकत ही गनीमत है, कि फिर चंद लम्हों में ये चिराग बिखर जाएगा। अपनी यादों को समेटेंगे हम आज, बिछड़ने वाले फिर किसे मालूम कौन से दिन जाएगा। आपके इस सफल सेवा कांड के लिए, इस सेवा निवृत्ति के लिए आपको वो आपके पूरे परिवार को हार्दिक बधाई देता हूं। भगवान राम से प्रार्थना करता हूं, आप सेवा निवृत्ति के बाद जिंदगी का हर पल शानदार तरीके से व्यतीत करें, आपका जीवन खुशी से भर जाए, इस सहज जीवन के साथ बेहतरीन संभावनाओं का उदय हो। परिवार में तालमेल और परस्पर प्रेम बना रहे। समय की अपनी सीमाएं होती हैं, समय का ध्यान रखते हुए इन दो पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। असीम अनंत हो खुशियां आपकी, असीम अनंत हो खुशियां आपकी, देश संसार का लोग बन जाए, सुनहरे भविष्य का हर दिन जीवन की नई खोज बन जाए। जय हिंद, जय भारत।